अस्सलाम वालेकुम मेरे होम मील वीवर, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। ईद अल्हम्दुलिल्लाह अपने जोश व खरोश से जारी और सारी है। आज हम अपने किचन में आ गए हैं, तो आज हम आपको ईद स्पेशल में बनाना सिखा रहे हैं स्पेशल क्रीमी शीर खोरमा। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, बहुत क्विक सा और इजी रेसिपी है। तो आइए हम इंग्रेडिएंट्स बताते हैं। ये 1.5 किलो हमने दूध लिया है, ये पिस्ते क्रश कर लिए हैं, बादाम भी क्रश कर लिए हैं, छुआरे शीर खोरमे का लाजमी जूस है, ये हम डालेंगे। सिवैयाँ हमने ली हैं 1/2 पाव और ये है हमारी फुल क्रीम। मलाई हमने स्टोर कर लेते हैं, या तो आप मलाई डाल दें या फुल क्रीम डाल दें, तो बहुत ही ज़बरदस्त सा बनेगा। चलिए आइए हम इसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक पैन में जो है वो 3 टेबल स्पून ऑयल लिया है और उसमें हम सिवैयों को भूनेंगे। हल्का हल्का सौते करेंगे, क्योंकि कच्ची सिवैयां अगर शीर खोरमे में डाल दी जाती हैं तो उसका वो टेस्ट नहीं बनता, तो हम थोड़ा सा भून के डालते हैं सिवैयां। ये देखें, सिवैयों का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, भुनी भुनी सी लग रही हैं। बस इस मौके पे हम इसको निकाल के बाकी ड्राई फ्रूट भी हम हल्के से ऑयल में या घी में सौते करेंगे। अच्छा, हमने पैन में दोबारा से 1 से 2 टेबल स्पून हमने घी लिया है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट डाल के हल्के से सौते करेंगे। ये हमारे ड्राई फ्रूट भी रोस्ट हो गए हैं, बस अब हम दूध को चूल्हे पे चढ़ाते हैं। फुल क्रीम मिल्क में हम शीर खोरमा बनाएंगे। बस हमने दूध में अब सिवैयों को डाल देना है और साथ में ये ड्राई फ्रूट्स भी डाल देने हैं, और इसको पकने के लिए तकरीबन 1/2 से 1.25 घंटा जो है वो छोड़ देना है। हमें थोड़ा सा ज़्यादा पका हुआ अच्छा लगता है, तो हम थोड़ा पका के फिर आपको बताते हैं। इसमें हमने 1.5 कप क्रीम भी ऐड कर दी है। बस अब हम इसको हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखें, 1/2 घंटा हमारा शीर खोरमा पक रहा है। बस ये अब हम इस मौके पे 1 से 1.5 कप चीनी डाल देंगे इसमें, और चीनी के साथ भी इसको पकाना है। ये देखें मेरे फ्रेंड, बहुत ही ज़बरदस्त सा शीर खोरमा ईद स्पेशल तैयार हो गया है। कलर आप देखें, हमने इसको भी इतना पकाया कि कलर बिल्कुल चेंज हुआ हुआ है, और बहुत ही ज़बरदस्त सा लुक आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और हमारी ईद को बहुत ज़बरदस्त बनाने के लिए हमारे दस्तरखानों की रौनक, हमारा शीर खोरमा रेडी है। आप लोग भी इसको ज़रूर ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको शीर खोरमा कैसा लगा। और हमारे चैनल को इसी तरह लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें, बिलखसूस मेरे इंडियन फ्रेंड्स, टर्किश फ्रेंड, बहुत शुक्रिया मैं अदा करती हूँ उन सबका जो कि हमारे इंटरनेशनली व्यूज़ बढ़ा रहे हैं। थैंक यू, और आप सबको मेरी तरफ से एक बार फिर बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।